वेलकम टू अवर फैमिली ब्लॉग्स। तो आपको पता है हमारे सारे ब्लॉग्स जो हैं नवाब की लाइफ से रिलेटेड हैं कि लाइफ विद अ पेट कैसी होनी चाहिए। अभी मैं नवाब को सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए लेके निकल रहा हूँ, उसी खुशी देखो अलग ही नज़र आ रही है, क्योंकि जो इसे खुशी एक नीचे जाने की मिलती है ना वो किसी भी चीज़ में नहीं मिलती, और वैसे भी साइकिलिंग करने जा रहा है। तो जो मैं आज वीडियो में दिखाने जा रहा हूँ वो दिखाने जा रहा हूँ आपको ऑफिस में इसे कैसे करता हूँ, क्योंकि सब लोग मोस्टली क्वेश्चन यही होता है कि यार आप इतना इजीली नवाब को कैसे ऑफिस कर देते हो। हस्की को ऑफिस करना तो बहुत टफ होता है, लेकिन चलो मैं आज दिखाता हूँ कि वो कैसे मेरे पास में वापस आता है। अब जब तक लिफ्ट ऊपर नहीं आ जाएगी ना तो ऐसी चक्कर काटता रहेगा, जैसे इसके पापा ने पर्सनल लिफ्ट लगा रखी है इसके लिए, और बस एकदम आ जाए। देखो इसका वेट करने का तरीका, देखो बिल्कुल एकदम लिफ्ट को देखता रहेगा, इसे पता है। और जैसे लिफ्ट आएगी ना तो उसका रिएक्शन देखना। चले गुड बाय, मेरा वेट करेगा, देखो फिर अंदर जाएगा। बांध दिया है, उसका रीज़न है कि सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए ना लोग निकले होते हैं, और कुछ लोग हैं जो डर जाते हैं कि पेट है लिफ्ट में एकदम सडन बाहर निकलते हुए, और आप उनसे कुछ कह भी नहीं सकते, सुबह सुबह लड़ भी नहीं सकते, उनकी भी मॉर्निंग है हमारी भी मॉर्निंग है, तो क्यों ख़राब करी जाए, क्यों ना। तो मैं बाहर जाके स्टार्ट करता हूँ वीडियो को, जब मैं इसे ऑफलिस करूँगा। मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं सोच रहा था कि साइकिलिंग के ऊपर ना कि मैं साइकिल कैसे करता हूँ नवाब के साथ में। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, लोग बोलते हैं कि आप एक व्लॉग बनाओ, आप एक वीडियो बनाओ कंप्लीट। गुड मॉर्निंग। तो मैं उसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बनाने वाला हूँ, तो उसके लिए एक दो दिन का वेट करना पड़ेगा आपको। बट अभी जो आज वीडियो मैं बना रहा हूँ इसको नवाब को ऑफलिस करने पर बना रहा हूँ, साइकिलिंग की फिर कभी बनाते हैं, क्यों नवाब साहब, सही बात है ना। तो चलो पहले सोसाइटी से बाहर निकलते हैं फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। नॉर्मल फॉर नवाब कि मतलब मैं हमेशा जब साइकिलिंग के लिए निकलता हूँ तो कोई ना कोई मिल ही जाता है, और आज भी ऐसा ही है कुछ ऐसा कि आज भी कोई मिल गया है। मैं उन्हें सूट नहीं कर रहा हूँ बिकॉज दे आर शाय, बट दे नो आउट नवाब वेरी वेल, और बाद में पता चला कि मतलब ही इज़ द वन मतलब हु हैज़ बीन पैराग्लाइडिंग एंड ऑल। चलो सी यू सून। सुनो अब मजा आ रहा है बच्चे, या कीप एंजॉयिंग। नवाब को सब गुड मॉर्निंग करते हुए निकलते हैं, सबको पता है ये प्यारा सा बच्चा है और यहीं पे रहता है, लेकिन मौसम देखो कितना प्यारा हुआ हो रखा है। स्टार्टिंग में बोला था आपको कि ये जो व्लॉग है आज का ये नवाब का ऑफिस के ऊपर है, मैं नवाब को कर रहा हूँ ऑफिस, और ये देखना मेरे को कैसे फॉलो करता है। इस गाड़ी को निकल जाने देते हैं, क्योंकि गाड़ी के निकलने के बाद ही मैं अपनी साइकिल स्टार्ट करूँगा। पर देखो जैसे मैंने छोड़ दिया है तो क्या होता है, हस्की एकदम भागते हैं कि उन्हें लगता है कि वो फ्री हो गए, बट वो बिल्कुल पास में ही खड़ा हुआ है, सिर्फ सुसु कर रहा है। और अभी देखना जैसे ही मतलब मैंने अभी साइकिल स्टार्ट कर दी अपनी, और नवाब को देखना, नवाब कम, नवाब कम है दिस साइड, 1 2 3। नवाब की स्पीड देखना अभी जब आएगा, देखो मैंने नवाब को कितना पीछे छोड़ दिया, ठीक है अभी उसको देखना मेरे को सेकंड्स में क्रॉस कर जाएगा। ऑफलीज है और मेरे जस्ट बराबर बराबर में, अब थोड़ा सा साइड है, या गुड बॉय, आजा आजा जल्दी 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 जल्दी, गुड बॉय, कम 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 है। देखो
अपने दोस्त से मिलके खेल के भी आ गया। मैंने लोगों को ना अक्सर कहते सुना है हस्की को फ्लीस कर दो तो ना वो भाग जाते हैं। भाई ये डिपेंड करता है आपने से ट्रेन कैसे किए, आपका उसके ऊपर ट्रस्ट लेवल कितना है, आप उसका कॉन्फिडेंस जीत पाए हो या नहीं जीत पाए। देख रहे हो ना कितने आराम से ओपनिंग से, कोई टेंशन नहीं है, एक परसेंट ऊपर। देखो बार बार मेरे को देखता रहता है कि हाँ मैं यहीं पे हूँ, कहीं चला तो नहीं गया। वो भैया ना बार बार गाड़ी रोक रोक के देख रहे हैं। हाय हेलो गुड मॉर्निंग हाय भाई आजा मैक्स कम हियर। बट लड़ना नहीं है, देखो नवाब ना एक्चुअली क्या है वो नवाब के ऊपर एक बार अटैक कर चुका है तो मैक्स वहाँ पर है, नवाब यहाँ पर है लेकिन उसे उसके पास में नहीं जाना है। आ जाओ साइड चेंज करेगा तो इधर से आएगा। देखो सोसाइटी में एंटर कर चुके उसको पता है घर किधर है ना, वो घर चल रहे हैं। ठीक है चलो गुड बाय। सुबह 6 बजे निकला था, टाइम हो रहा अभी 7:30। चल गुड बाय चलो। ये देखो मटकुराम क्योंकि अभी ना ये थक चुका है बिल्कुल, और थकने के बाद में इसकी स्पीड ना जितनी स्पीड से जाता है ना उतनी धीमी स्पीड से घर वापस आता है। क्यों ना बाबू वॉक हो चुकी है हमारी मॉर्निंग वॉक। बस मेरे को लास्ट में ना यही बात बोलनी है जैसा मैं हमेशा से बोलता हूँ, चाहे व्लॉग्स में बोलता हूँ चाहे फिर इंस्टाग्राम पे बोलता हूँ या कहीं पे भी जाके बोलता हूँ, मैं सेम एक ही बात बोलता हूँ कि जो हमारी बॉन्डिंग है ना जैसे हमारी ह्यूमन बेबी के साथ में होती है सेम इन बच्चों के साथ में, ये भी सारी वही चीज़ें समझते हैं जो कि आपके ह्यूमन बेबी समझते हैं। बस फ़र्क इतना ही है कि ये बोल नहीं पाते। सो रेस्पेक्ट योर पेट्स एंड उन्हें ऐसा फील कराओ कि वो ना ऑफलीज तो गया, अगर आप उससे कहीं दूर भी जाकर खड़े हो जाओ ना तो वो आपके पास में आगे खड़ा हो जाए कि भाई मैं तेरे अलावा कदम नहीं रखूँगा कहीं पर भी। और ये सब जब आप उसका कॉन्फिडेंस जीत लोगे ना तो बहुत ईजीली हो जाएगा। तो चलो मिलते हैं नए व्लॉग के साथ में, क्योंकि आज कल हम लोगों ने व्लॉगिंग स्टार्ट कर दिया ना, वो आपकी लाइफ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि लाइफ विद अ पेट कैसी होती है। तो जल्दी जल्दी अच्छी अच्छी वीडियो लेके आएंगे, लेकिन जो बाद में ना लाइक करना और उसको ना ऐसे सब्सक्राइब करना मत भूलना प्लीज़। थैंक यू सो मच, बाय, सी यू सो मच।